जो अपना F18 है ना उसको तैयार किया था मशीन के लिए, और चल ये रहा है, पता नहीं इसने क्या जो है कर्म किए ऐसे। एयर क्लीनर है ना वो अंदर से सूख गया था बिल्कुल, जो इसके अंदर ऑयल होता है ना, जो नीचे वाला यहाँ पे अंदर लगा होता है सूखे वाले के अंदर, तो उसके अंदर जो है ऑयल सूख गया था बिल्कुल ही। तो कुल मिला के ये है बेनिफिट होता है अगर EGR को बंद करते हैं ना, सीधे तौर पे यही बात है भी, अगर आप EGR बंद करना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। पर जो भी भाई है ना तूड़ी वाली मशीन के अंदर ट्रैक्टर चला रहे हैं ना, ऑयल वाला ये एयर क्लीनर लगा है ना, वो पूरा ध्यान रखें। ये क्या होता है अंदर से वैसे मिट्टी वगैरह जाए ना तो वो तो ऑयल में सेट हो जाती है, और गद्दा वगैरह जाता है ना कंप्यूटर के अंदर, 14 नौ के टायर इतने कामयाब नहीं होते, और उसके वो 16 नौ के हैं तो वो ठीक चल रहा है कंप्यूटर के अंदर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारी एक नई वीडियो के अंदर। तो अपनी मशीन जो है आज चल रही है तूड़ी वाली, तो पिछले कुछ दिनों से एक तो अपनी वीडियो अपलोड नहीं हुई क्योंकि शादी थी अपने मामा जी के यहाँ पे, तो वहाँ गए हुए थे उस वजह से वीडियो नहीं आई। और जैसे यहाँ पे आ गए तो आप सभी को पता है सीज़न काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, तो काम काफ़ी रहता है, उस वजह से जो है बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। अभी पिछले 3-4 दिन से रात को लगभग जो है 2-2.5 बजे तक मशीन चलती रहती है, उस वजह से जो है ना वीडियो इधर उधर हो जाए, तो आप समझ लीजिएगा अभी कारण क्या रह रहा है। बाकी अभी आपको दिखाते हैं जो अपना F33 है ना, इस बार उसका नंबर लगा पड़ा है मशीन के अंदर, तो वही वो चल रहा है मशीन के अंदर, और जो F18 वो कंप्यूटर के अंदर चल रहा है क्योंकि कंप्यूटर का काम ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से वो ट्रैक्टर तो कंप्यूटर में चल रहा है, और ये जो F33 है इसको हमने जो मशीन में जोड़ रखा है। तो आज इसकी परफॉर्मेंस वगैरह आपको दिखाते हैं कैसा चल रहा है, और उसके बाद देखते हैं अपन बात करते हैं EGR के बारे में क्या कुछ रहा। वैसे तो जब से हमने EGR बंद किया ना तब से उस ट्रैक्टर को मौका ही नहीं मिला मशीन के अंदर चलने का, एक दिन चला था तो उस दिन उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, बाकी परफॉर्मेंस के अंदर जो है काफ़ी फ़र्क है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अभी आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाते हैं F33 की जो मशीन में चल रहा है उस तरफ। आज सुबह से ना एक ही दिक्कत आ रही है, अपनी जो ट्राली है नहीं वो नहीं आ रही, तो अपना ये अपना गांव है ये जो टंकी दिख रही है ये वाला, और ट्राली की समस्या आ रही है, आज सुबह से ट्राली नहीं आई, उस वजह से ना लगभग आधा आधा घंटा मशीन जो है रुक गई। बाकी लांगा ठीक है, इसके अंदर बढ़िया काम चल रहा है, अभी ये ट्राली फुल है, अभी तक कोई अता पता नहीं है आने वाली ट्राली का, पर चलो कोई बात नहीं। तो ये जो वीडियो है ना ये अभी आज के दिन रिकॉर्ड हुई है, आज 24 तारीख होगी और आज के दिन रिकॉर्ड हुई है, और कोशिश अपनी यही है अभी आप देख रहे हो ना आज के दिन के अंदर इसको कंप्लीट करके और अपलोड कर दिया। तो ये ट्राली तो भर गई, आज 2 दिन हो गए, कल से 2 दिन नहीं हुए, कल सुबह से जो है अब तक मशीन के अंदर ग्रीस करने का टाइम नहीं मिला, और रात जो है मशीन पूरी रात चल रही थी, 2 बजे तक मैं पास में था और उसके बाद मैं आ गया था, और छोटे वाला भाई था उसने पूरी रात चलाई, सुबह ट्रैक्टर हमको जो है मिला है, अभी ट्राली तो नहीं आई और ये भर गई। चलो इसमें अभी ग्रीस वगैरह कर लेते हैं 10-15 मिनट। जो अपना F18 है ना उसको तैयार किया था मशीन के लिए, और चल ये रहा है, पता नहीं इसने क्या जो है कर्म किए ऐसे। और अभी देखो टेम्परेचर इसका आधी सुई तो रखता ही है, आज डीजल वाली टंकी अभी तक फुल दिखा रहा है, और चौथी ट्राली इसने भरती, चौथी एक पाँचवीं है नहीं, और 5वीं ट्राली जो है इसने अभी तक भरती। तो कल क्या हुआ, कल शाम को हमने इसको देखा था, रात को जो है थोड़ा बहुत गर्म हो रहा था तो उस वजह से हमने जो इसकी शो उठाई थी, तो तब पता चला था जो इसका एयर क्लीनर है ना वो अंदर से सूख गया था बिल्कुल, जो इसके अंदर ऑयल होता है ना, जो नीचे वाला यहाँ पे अंदर लगा होता है सूखे वाले के अंदर, तो उसके अंदर जो है ऑयल सूख गया था बिल्कुल ही, क्योंकि मशीन में चलता है ना तो यहाँ पे ये मिट्टी और गर्दा है ना अंदर जाता रहता है, और ऑयल को इसने जो है सोख लिया बिल्कुल, तो सूखा चल रहा था बिल्कुल। तो कल तो रात को पता चला था, उसके बाद 1-2 ट्राली थी तो हमने उसको चलने दिया, कोई दिक्कत नहीं। पर जो भी भाई है ना तूड़ी वाली मशीन के अंदर ट्रैक्टर चला रहे हैं ना, ऑयल वाला ये एयर क्लीनर लगा है ना, वो पूरा ध्यान रखें। ये क्या होता है अंदर से वैसे मिट्टी वगैरह जाए ना तो वो तो ऑयल में सेट हो जाती है, और गर्दा वगैरह जाता है इस तरीके से, गर्दा वगैरह जाता है ना इनका, वो क्या होता है ऑयल के अंदर गिरता रहता है और सूख जाता है, जिसकी वजह से जो है ना मतलब फिल्ट्रेशन की जो कैपेसिटी है ना वो कम हो जाती है, तो डर है इंजन का गर्दा वगैरह खींच के ना अंदर तो इंजन मांग जाएगा। तो जो भी भाई ये टाइप का एयर क्लीनर है ना वो थोड़ा ध्यान रखें मशीन के अंदर, इसमें ऑयल वगैरह संभालते रहें। हमने जो है इसको आज अच्छे से साफ़ करके और फिर से लगा दिया, तो 3-4 दिन में है ना इसको चेंज करते रहे। अब इसमें ये होते हैं ना, कुछ कहते हैं भी इस पर कपड़ा बांध लो, अगर इस पर कपड़ा बांधते हैं ना तो नीचे से ब्लॉक हो जाता है, बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है ये गर्दा वगैरह आके, तो कपड़े वाला सिस्टम काम का नहीं है। और जो F33 है इसके अंदर भी EGR आता है, ये यहाँ पे लगा हुआ सेंसर, इसका सेंसर देख लो, बाकी हमने इसको जो है हटाया नहीं है, ये वर्किंग के अंदर ही है इसके अंदर।
और जो F18 है उसके अंदर हमने EGR बंद कर दिया था, कैसे बंद करना है उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी थी हमने, और बेनिफिट उस वीडियो में भी दिखा दिया था, परफॉर्मेंस में काफ़ी इंक्रीज हुआ था। और मशीन में तो वो एक दिन चला था, उस दिन माइलेज नहीं देख पाई, बाकी परफॉर्मेंस में काफ़ी बदलाव है। अब कंप्यूटर के अंदर चल रहा है वो, और डीजल माइलेज में वास्तव में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है ट्रैक्टर का। तो कुल मिला के ये है, बेनिफिट होता है अगर EGR को बंद करते हैं ना, सीधे तौर पे यही बात है भी, अगर आप EGR बंद करना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, और जितना अपने को फ़ायदा है उतना इन्वायरमेंट को नुकसान है, वो चीज़ें आप देख लीजिएगा। अगर वैसे बात करें तो भट्टे वगैरह और पता नहीं क्या क्या रिफाइनरियाँ हैं जो ऐसे ही चलती रहती है, पर ट्रैक्टर वगैरह पे इन पे रोक लगा दी भी, आप धुआं कर रहे हो, पोल्यूशन कर रहे हो। पर चलो जो भी है ठीक है, हमने जो है उसका बंद कर दिया, और अभी टाइम नहीं मिल रहा, जैसे टाइम मिलेगा इसका भी बंद कर देंगे। बहुत फ़र्क पड़ता है डीजल माइलेज पे, परफॉर्मेंस पे, एक तो परफॉर्मेंस अच्छी और तेल की खपत भी कम, तो मेरे हिसाब से तो बंद करने में फ़िलहाल तो फ़ायदा है। और अपना तो विचार यही है, अगर ये ट्रैक्टर आज फ्री हो जाता है दिन के अंदर जब भी टाइम मिलेगा, तो इसको मशीन से निकाल के और इसका सबसे पहले तो EGR ही बंद करेंगे, उसके बाद जो होगा ना वो देख लेंगे, परफॉर्मेंस वगैरह वो आपको बता देंगे। माइलेज अभी चेक नहीं कर सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता माइलेज देखने के लिए। ट्राली को भरे हुए आधा घंटा होने को आ गया, और अब ट्राली है ये दूसरी वाली, और तब तक ग्रीस वगैरह इसके अंदर हो गया, और बेल्ट वगैरह जो है टाइट करना था, आगे जो रिले है ना वो फ्री हो रहा था उसका बेल्ट, तो उसको टाइट कर दिया। इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या हमें तो अभी तक आई नहीं, बढ़िया चल रहा है। और थोड़ा बहुत वो फ़र्क तो है ही, जो अपना जो दूसरा F18 है ना वो उसकी परफॉर्मेंस इससे तो बेटर वैसे ही थी, और है भी वो तो चलो है, अब तो EGR बंद हो गया तो वैसे भी और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। जो F18 ना उसको तैयार किया था तूड़ी वाले मशीन के लिए, क्योंकि उसके आगे वो पंखा वगैरह लगा है ना, रेडिएटर फैन लगा है, तो उसमें ना दिक्कत नहीं आती, गर्म गर्म होने का कोई चक्कर नहीं रहता। अगर मतलब थोड़ा बहुत गर्म होता है ना तो पंखे को चला दो तो एक तो रेडिएटर को साफ रखता है, और दूसरा अगर कचरा वगैरह चिपकता है तो वो जो है उसको हटा देता है। पर चलो उसका कंप्यूटर में काम जाता है ना, कंप्यूटर के अंदर 14 नो के टायर इतने कामयाब नहीं होते, और उसके वो 16 नो के हैं, तो वो ठीक चल रहा है कंप्यूटर के अंदर, और ये इसमें मशीन में वैसे दिक्कत नहीं है, ठीक चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। और लगभग अपनी औसत आ रही है 15 ट्राली के आसपास दिन की, क्योंकि कुछ एक लांगे ठीक है और कुछ एक के अंदर जो है लांगे कमज़ोर हैं, तो उस हिसाब से जो है ना ऊपर नीचे होता रहता है, वो चीज़ें तो आप भी समझते हो। किसी दिन 20-22 भी हो जाती है, और किसी दिन जो है ना 13-14 पे रह जाती है, तो औसत जो है ना मान लीजिए 15-16 की आती है दिन की। बाकी EGR वाला आप देख लेना आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से तो आप बंद कर लीजिए EGR को, सबसे बेस्ट रहेगा, और कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई ऐसा फंक्शन नहीं है ना जिससे अपने को कोई खास बेनिफिट मिले, ऊपर से डीजल माइलेज, डीजल के रेट देखिए आप कितने हो रखे हैं, तो खर्चा तो वैसे ही बहुत बढ़ रहा है, और उसकी वजह से अपना खर्चा बढ़ रहा है, तो क्या काम की ऐसी चीज़। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल।